स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन, और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की इंग्लिश और फ्लेमिंगो बुक से जो आपकी पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर, इसकी इजी समरी प्लस इम्पोर्टेंट स्टेंजा बाय स्टेंजा एक्सप्लेनेशन आज हम करने वाले हैं, और ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि क्लास 12th के नोट्स हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, जिनको जाके आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कैसे जाना है वेबसाइट पे, तो गूगल पे सबसे पहले आपको जाना है और eklavyastudypoint.com आपको सर्च मारना है। फिर आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन खुलेगी, फिर आपको ये जो पहली वेबसाइट दिख रही है इस पे क्लिक करना है, eklavyastudypoint.com पे। आप हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे, उसके बाद आपको ये जो तीन लाइनें दिख रही है ये कैटेगरी की लाइन है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने अलग अलग क्लासों के नाम लिखे आएंगे, आपको क्लास 12th पे क्लिक करना है। उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट्स के नाम आएंगे आपके सामने, जैसे कि हिंदी, इको, इंग्लिश, ज्योग्राफी। तो जो भी सब्जेक्ट के नोट्स आप पढ़ना चाहते हैं वेबसाइट पे जाके आप पढ़ पाएंगे। और आपको बताना चाहूंगा इंग्लिश की ई बुक अवेलेबल है, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिलने वाले हैं प्लस एमसीक्यू। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको परचेज कर सकते हैं हमारे मोबाइल ऐप के अंदर जाके। अगर आपके मोबाइल में हमारा ऐप नहीं है तो आप इसको प्ले स्टोर पे जाके पहले इंस्टॉल कर लीजिए, और ऐप का नाम है एकलव्य ऑफिशियल। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको इसी के अंदर ऑप्शन मिलेगा ईबुक का, और वहीं से जाके आप ईबुक को परचेज कर पाएंगे। और आपकी कोई क्वेरी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और अपनी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई वहां पे जरूर करूंगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, और मेरा यूजर नेम आपके सामने है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को इंट्रोडक्शन के साथ। तो इन द पोएम अ वुमेन एक्सप्रेसेस हर सप्रेस्ड फीलिंग्स थ्रू हर आर्ट। इस पोएम के अंदर एक वुमेन है, एक महिला है, जो कि अपनी फीलिंग्स, जो कि ऐसी फीलिंग्स जो कि मतलब काफी ज्यादा दुखी फीलिंग्स मतलब हमारे सामने एक्सप्रेस करेंगी वो। और आंट जेनिफर जो है वही वो वुमेन है, ठीक है। उस वुमेन का नाम है आंट जेनिफर, इज द विक्टिम ऑफ द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। आंट जेनिफर जो है वो मतलब पुरुष, जो हम जिसे कहते हैं पितृसत्तात्मक जो समाज होता है, एक जहाँ पे पुरुषों का दबदबा होता है और महिलाओं को इतनी आज़ादी नहीं होती, ऐसे समाज का ही एक शिकार है। और शी हैज़ नो वन टू टेल हर मेंटल एंड फिजिकल पेन। उनके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको वो मतलब अपनी मेंटल और फिजिकल जो भी उनकी कंडीशंस हैं, जो उनको एक मेंटल एंड फिजिकल पेन है वो बता सकें, शेयर करने के लिए उनके पास कोई भी नहीं है उनके साथ में। और यहाँ पे आगे यहाँ पे है कि आंट जेनिफर इज क्रिएटिंग एनिमल्स दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ऑन कैरेक्टर। इस पोएम के अंदर आंट जेनिफर ने कुछ एनिमल्स बनाए हैं, और वो एनिमल है टाइगर, ठीक है। तो वो उन्होंने टाइगर बनाए हैं कढ़ाई करके, कढ़ाई आप समझते होंगे एम्ब्रॉयडिंग करते हैं जो, ठीक है, जो मतलब हम वूलन क्लॉथ पे या किसी पे भी हम कढ़ाई करते हैं सुई से, कुछ वैसा ही इन्होंने ऐसा करके कढ़ाई सी करके और इन्होंने टाइगर्स बनाए हैं। शी इज वर्किंग ऑन अ स्ट्रिप ऑफ वूलन क्लॉथ विद एन आइवरी नीडल। वो एक वूलन कपड़े के ऊपर वो क्या करती हैं कि मतलब वो कढ़ाई कर रही हैं, किसके साथ, आइवरी नीडल के साथ। जो सुई है यानी कि नीडल है वो किसकी बनी हुई है, आइवरी की, यानी कि जो हाथी दांत होता है, ठीक है। पहले के समय में आइवरी नीडल्स ही हुआ करती थी, आज के टाइम में स्टील्स वगैरह की नीडल्स आती हैं, लेकिन पहले के समय में हाथी दांत की नीडल का इस्तेमाल किया जाता था। शी इज मेकिंग द फिगर ऑफ टाइगर्स। वो उस मतलब क्लोथ के ऊपर क्या बना रही है, टाइगर बना रही है। जो टाइगर्स हैं वो मूविंग फ्रीली इन द फॉरेस्ट, वो ऐसे दिखाए गए हैं कि वो फॉरेस्ट में मतलब आजादी के साथ घूम रहे हैं, ऐसा उन्होंने कुछ निडल से और मतलब जो अपना काम करके आर्ट का जो वर्क है उनका, ठीक है, कढ़ाई का, कुछ ऐसे टाइगर्स बनाए हैं। और इसमें क्या है, आंट जेनिफर इज वीक। अब इसमें जो कैरेक्टर है पोएम के अंदर जो आंट जेनिफर का, वो काफी वीक है, मतलब जो एक काफी मतलब कमजोर जो एक महिला होती है, ठीक है। और मतलब देयर फॉर हर फीबल फिंगर्स फेल टू पुल इवन अ लाइट नीडल, मतलब वो इतनी ज्यादा कमजोर है कि उनकी जो मतलब एक कमजोर फिंगर्स है, जो कमजोर उंगलियां हैं, वो एक हल्की सी सुई तक को नहीं हिला पा रही है। मतलब जो वो कढ़ाई करने के लिए सुई का इस्तेमाल करते हैं वो इतनी कमजोर हो गई है अपनी लाइफ से कि वो एक मतलब पतली सी जो सुई होती है वो भी उनसे नहीं चल रही है, ठीक है। शी इज क्रिएटिंग माइटी टाइगर्स ऑन अ पैनल, यानी कि वही जो वुलन क्लॉथ के ऊपर वो एक ऐसे माइटी टाइगर्स बना रही है, शक्तिशाली टाइगर्स को वो बना रही है, ठीक है। बट हर ऑन मैरिड लाइफ हैज बीन एन अटर फेलियर, यानी कि वो उसपे जो बना रही है उनकी लाइफ बिल्कुल उनसे उलट है, जो कि टाइगर्स हैं उनसे बिल्कुल उल्टा इनका जीवन है, इनकी लाइफ है। इनकी जो मैरिड लाइफ रही है वो बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से फेलियर रहा है, वो इतनी ज्यादा खुश नहीं रही अपनी मैरिड लाइफ में, और उनको हमेशा से दबा के रखा गया, उनकी फ्रीडम जो है वो छीन ली गई थी। द टाइगर सिम्बलाइजेज व्हाट शी हैज मिस्ड इन हर मैरिड लाइफ, यानी कि जो जो अच्छी चीजें टाइगरों की वहां पे दिखाई गई है, टाइगर फ्रीडम के साथ घूम रहे हैं एकदम चौड़े होके अकड़ में, कोई डर नहीं है किसी का, आराम से पूरे फॉरेस्ट में फ्रीली घूम रहे हैं, उनकी लाइफ बिल्कुल उनसे
उल्टी है, ठीक है। उनकी लाइफ में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ, मतलब उनकी फ्रीडम छीनी गई है, सिर्फ और सिर्फ उनकी लाइफ के अंदर दुख भरे पड़े हैं और फेलियर्स भरे पड़े हैं। तो ये इंट्रोडक्शन था पोएम का। तो इस फोटो के साथ आप एक आइडिया ले सकते हैं, कुछ इसी तरीके से होंगे आंट जेनिफर जो कि अपने टाइगर्स को बना रही हैं एक वुलन क्लॉथ के ऊपर। और चलिए अब स्टेंजा बाय स्टेंजा हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। स्टेंजा 1 है आपके सामने, रीड करूंगा मैं। तो टाइगर्स आपको समझ में आ गया होगा, टाइगर्स किस पे बनाए जा रहे हैं, कढ़ाई करके यानी कि एम्ब्रॉयडिंग करके एक वुलन क्लॉथ के ऊपर बनाए जा रहे हैं। किसके साथ? आइवोरी नीडल्स के साथ, यानी कि जो हाथी दांत की सुई होती है। अब स्टार्ट करते हैं लाइंस को। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस अ स्क्रीन, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन स्लीक शिवरलिक सर्टेनिटी। अब इसका मतलब क्या होता है? प्रैंस का मतलब होता है वॉकिंग स्लोली, ठीक है, यानी कि जो बिल्कुल एक अकड़ के साथ चलना, बहुत धीरे धीरे। आपने देखा होगा जो टाइगर्स चलते हैं बहुत धीरे 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 चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनकी एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो उससे पहले आपको बता दूं, ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन का मतलब क्या है? यहाँ पे कोई स्क्रीन का मतलब कोई मोबाइल स्क्रीन या कोई वैसी स्क्रीन नहीं है। स्क्रीन आप समझ लीजिए वही एक वुलन क्लॉथ है जिसके ऊपर वो टाइगर्स बनाए गए हैं और उसी स्क्रीन के ऊपर वो टाइगर चलते हुए लग रहे हैं देखने के साथ। आंट जेनिफर हैज क्रिएटेड हर टाइगर्स इन द पैनल विद आइवरी नीडल्स। पैनल मतलब वही वुलन क्लॉथ समझ लीजिए, स्क्रीन समझ लीजिए। और मतलब आंट जेनिफर ने ऐसे टाइगर बनाए हैं अपनी आइवरी नीडल्स के साथ, यानी कि जो हाथी दांत की सुइयां हैं उनके साथ उन्होंने ऐसे टाइगर्स बनाए हैं, ठीक है, कढ़ाई करके एम्ब्रॉयडिंग करके एक वुलन क्लॉथ के ऊपर, ठीक है। हर टाइगर्स आर जंपिंग अक्रॉस द स्क्रीन, वो जो पूरा एक वुलन क्लॉथ है उसके ऊपर वो टाइगर्स ऐसे लग रहे हैं जैसे जंपिंग करते हुए और वॉकिंग स्लोली वो जा रहे हैं, ठीक है, और फ्रीली एकदम घूम रहे हैं ऐसा दिखता है उसको देख के। दीज डेनिजन्स, डेनिजन्स मतलब जो निवासी होते हैं, ठीक है, रहने वाले कहेंगे। तो ये जो टाइगर्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं। तो दीज डेनिजन्स ऑफ द ग्रीन फॉरेस्ट लुक ब्राइट येलो शाइनिंग टोपाज। ये जो मतलब जो शेर है, सॉरी, ये जो टाइगर्स हैं ये क्या है? ये निवासी है कहाँ के? जंगलों के, हरे हरे जंगलों के। और ये जो शेर है ये कैसे दिखते हैं, ठीक है, ये जो टाइगर्स हैं ये कैसे दिखते हैं? ब्राइट येलो कलर के दिखते हैं, जैसा कि शाइनिंग टोपाज होता है। टोपाज क्या होता है? टोपाज आर ट्रांसपेरेंट येलो स्टोन यूज्ड इन ज्वेलरी। जो टोपाज होता है वो एक ट्रांसपेरेंट येलो स्टोन होता है। इसकी फोटो मैंने आपको दिखाई है सामने, कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, चमचमाता हुआ होता है और ये ज्वेलरी में यूज किया जाता है। तो इस तरीके से वो शेर दिख रहे हैं, वो जो टाइगर्स हैं आंट जेनिफर के, वो कुछ इसी कलर के दिखते हैं, एकदम चमकदार जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपको समझ में जरूर आ रहा होगा कि आंट जेनिफर क्या कर रही हैं, कढ़ाई करके अपनी जो दुखी लाइफ है जो वो अपनी लाइफ में नहीं कभी एक्सपीरियंस कर पाई, वो सारी चीजें वो अपनी उस कढ़ाई के द्वारा यानी कि उस एम्ब्रॉयडिंग करके उस वुलन क्लॉथ के ऊपर वो दिखा रही हैं कि कैसे जो फ्रीडम उनको मिलनी चाहिए थी वो उन्हें नहीं मिली, और वो फ्रीडम वो अपने टाइगर्स को मतलब बना के दिखा रही हैं कि वो टाइगर्स एटलीस्ट एकदम फ्रीडम के साथ घूम रहे हैं। और जो आंट जेनिफर है उनका कैरेक्टर बहुत वीक है, वो एक मतलब सप्रेस्ड है, ठीक है, लेकिन जो टाइगर्स हैं वो बिल्कुल उनके उल्टे हैं। तो वो कुछ ऐसी ही लाइफ चाहती थी। आगे देखते हैं क्या है। दे आर फियरलेस, जो टाइगर हैं किसी से नहीं डरते, एंड डोंट फियर द मैन स्टैंडिंग अंडर द ट्री। अब इसमें एक लाइन कही गई है, ठीक है, कि यहाँ पे दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, यानी कि इसमें ये जो मैन है वो आप अगर देखें तो दे आर फियरलेस एंड डोंट फियर द मैन स्टैंडिंग अंडर द ट्री। ये जो टाइगर्स हैं ये किसी से नहीं डरते, और जो ट्री के जो नीचे एक इंसान, एक आदमी खड़ा है, एक मैन खड़ा है, ये टाइगर उनसे नहीं डरते। पर जो इनको बना रही है आंट जेनिफर, वो एक मैन से डरती हैं, और वो मैन कौन है? उनके हस्बैंड, ठीक है, समझ में आ गया आपको। जो उनको खुद मतलब जो वो डरती हैं जिस चीजों से, ठीक है, जो चीजें उनको नहीं मिली वो सब उन्होंने उन टाइगर्स के लिए किया है, यानी कि जो डर उनके मन में था और जो जिन चीजों से वो डरती थी, मतलब मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर जो वो अपने हस्बैंड से डरती थी, एक मैन से डरती थी, उन्होंने अपने इस आर्ट्स के साथ जो उन्होंने ये आर्ट तैयार किया है वूलन क्लॉथ के ऊपर, उसमें उन्होंने साफ साफ दिखाया है कि उनके जो टाइगर्स हैं वो किसी मैन से नहीं डरते, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज दिखाई गई है। दे आर वेल ग्रूम्ड एंड स्मूथ। आप टाइगर्स को देखोगे तो एकदम मतलब स्लीकी से होते हैं वो, एकदम ग्रूम्ड, एकदम स्मूथ होते हैं देखने में। दे आर शोन टू बी मूविंग अबाउट विद ग्रेट कॉन्फिडेंस विच आंट जेनिफर हरसेल्फ लैक्स। यानी कि जो टाइगर्स हैं वो पूरे ग्रेट कॉन्फिडेंस के साथ चल रहे हैं, धीरे धीरे पूरी अकड़ में चल रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें आंट जेनिफर के अंदर नहीं है,
मैंने आपको बार बार बताया है जो चीजें उनके अंदर नहीं है उन्होंने वही सारी चीजें उन टाइगर्स के लिए यहाँ पे बताई हैं। और यहाँ पे जो शिवरलिख है इसका मतलब होता है ब्रेव, यानी कि जो टाइगर्स हैं वो ब्रेव हैं, वो निडर हैं, वो किसी से नहीं डरते। आगे की लाइनें देखते हैं, स्टैंजा टू पे हम पहुंचते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स सॉरी आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द एवोरी नीडल हार्ड टू पुल द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स आंट जेनिफर्स हैंड। अब इसका मतलब क्या है, शी इज सो टेरिफाइड, ठीक है वो बहुत डरी हुई है अपने हस्बैंड से, और इस कदर डरी हुई है, इतना ज्यादा डरी हुई है कि दैट हर फिंगर्स ट्रेम्बल व्हेन शी पुल्स आउट द नीडल थ्रू वूल विच इज वेरी लाइट। इतना ज्यादा वो अपने हस्बैंड से डरी हुई है अपनी लाइफ के अंदर कि जो उनकी मतलब फिंगर्स हैं वो भी कांप रही हैं, क्या करते हुए वो जो मतलब कढ़ाई कर रही हैं, ठीक है जो वो निडल चला रही हैं, एक पतली सी हल्की सी निडल, निडल का क्या वेट होता है आपने भी देखी होगी, सुई, वो एक सुई तक नहीं पकड़ पा रही, उनके हाथ कांप रहे हैं, उनके फिंगर कांप रही है, तो आप समझ सकते हो वो कितना ज्यादा डरी हुई है अपनी लाइफ में। इट सिंबलाइजेज हर फिजिकल एज वेल एज इमोशनल वीकनेस। इससे हमें एक चीज नजर आती है कि वो कितना ज्यादा कमजोर है, कितना ज्यादा मतलब फिजिकली तो है ही है, साथ में इमोशनली मेंटली कितना ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर है और कितनी ज्यादा वो परेशान है अपनी लाइफ से, ये हमें देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, द वेडिंग रिंग यानी कि जो ये जो वेडिंग बैंड जो शब्द है इसका मतलब है वेडिंग रिंग, जो कि आप फोटो में भी देख सकते हैं राइट साइड में, द वेडिंग रिंग विच शी इज वियरिंग, जो उनके हाथ में वेडिंग रिंग है उनकी फिंगर में जो उन्होंने पहनी हुई है, सीम्स हैवी टू हर, वो बहुत हैवी लग रही है उन्हें, क्यों हैवी लग रही है, एज शी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू गो अहेड एज हर मैरिड लाइफ हैज टेकन अवे हर फ्रीडम फ्रॉम हर, जो उनकी ये मैरिड रिंग है ये उनकी नहीं है, ये उनके हस्बैंड ने उन्हें दी है, और इस मैरिज जो जो वेडिंग जो रिंग का मतलब होता है वो ये है कि अब आंट जेनिफर किन की हो गई है, अपने हस्बैंड की, और कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि उनके हस्बैंड और ये जो आंट जेनिफर है, आंट जेनिफर उनके लिए एक तरीके से स्लेव है, उनकी लाइफ अब यहीं तक सीमित रह गई है, उनके सारे अधिकार चले गए हैं, उनकी फ्रीडम चली गई है इस वेडिंग बैंड के साथ आते ही, इसीलिए ये वेडिंग जो बैंड है यानी कि जो वेडिंग रिंग है ये उन्हें बहुत ज्यादा हैवी लग रही है। ठीक है आगे देखते हैं, अब स्टेंजा थ्री को पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. ठीक है unafraid, तो इसका मतलब क्या आप देखते हैं, aunt Jennifer will not be free from fear even after her death. यानी कि जो aunt Jennifer है उनकी death के बाद भी वो जो एक डर है, ठीक है वो कभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला। Head and यानी कि यहाँ पे हेड की जगह आप बैड लिख लीजिए, बैड एंड अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, जो उनकी लाइफ के बहुत ज्यादा बुरे एक्सपीरियंस हैं, ठीक है जो उनकी मैरिड लाइफ के बहुत ज्यादा बुरे एक्सपीरियंस रहे हैं उनके साथ में, वो कभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले उनकी डेथ के बाद भी, इतना ज्यादा मतलब वो डरी हुई है और परेशान है। बट लेकिन द टाइगर्स शी मेड विल गो ऑन जंपिंग प्राउड एंड अनफ्रेड, लेकिन जो उन्होंने टाइगर्स बनाए हैं उस स्क्रीन के ऊपर, ठीक है जो उस वूलन क्लॉथ के ऊपर, वो हमेशा कूदते रहेंगे ऐसे ही, और हमेशा कॉन्फिडेंट के साथ चलते रहेंगे, प्राउडली चलते रहेंगे, अनअफ्रेड रहेंगे, किसी से नहीं डरेंगे, वो टाइगर्स हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं। आंट जेनिफर विल नॉट लिव इन हर वर्ल्ड बट हर आर्ट एंड द टाइगर्स दैट शी क्रिएटेड इन द पैनल विल गो ऑन जंपिंग एज एवर। आंट जेनिफर कभी ना कभी इस दुनिया को छोड़ के चली जाएंगी, लेकिन जो उनका आर्ट है, जो उन्होंने वो टाइगर्स बनाए हैं, जो उन्होंने वो टाइगर के थ्रू जो बताने की कोशिश की है, वो जो टाइगर्स हैं जो किसी से नहीं डरते, ब्रेव हैं, ठीक है कॉन्फिडेंट हैं, वो ऐसे ही जंपिंग करते रहेंगे और हमेशा वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, और ये यहीं तक इन्होंने अपनी इस पोएम के अंदर बताया है। तो अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट पिक्चर ऑफ मेल चौनिज्म डू वी फाइंड इन द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाई हैज आंट जेनिफर मेड प्रांसिंग प्राउड एंड अनफ्रेड टाइगर्स। थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने, डिस्क्राइब द टाइगर्स क्रिएटेड बाय आंट जेनिफर, ठीक है। तीन क्वेश्चन से, इन तीनों के आंसर आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करेंगे, मैं वहां पे चेक करूंगा और देखूंगा किसका आंसर ज्यादा अच्छा है। इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको पोएम कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।